गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग जस्ट उठ के नीचे सीधा आए हैं स्विमिंग पूल में नहाने। सुबह सुबह के टाइम है, गुनगुना पानी है, खिली खिली सी धूप है, तो हम अभी इंजॉय करने वाले हैं अंडर वाटर। उसके बाद करेंगे हम ब्रेकफास्ट जो कि हमारे होटल में ही अवेलेबल है। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखना, फुल मजा आएगा। हम बीच पर भी जाएंगे और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो गाइज, अब हम नहाकर आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने रिजोर्ट में। अपने यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मिक्स फ्रूट जूस रखा हुआ है जो कि आप यहाँ से कितना भी पी सकते हैं। उसके बाद है फ्रूट्स कटे हुए हैं, उसके बाद आपका मिक्स फ्रूट जैम है, यहाँ पे ऑरेंज का भी है, और बटर है। बटर के बाद आपको यहाँ पे ब्रेड टोस्ट बनाना चाहते हो तो आप खुद सेक कर यहाँ पे अपना ब्रेड टोस्ट बना सकते हो। उसके बाद है यहाँ पर उपमा जो कि साउथ इंडियन डिश है, बहुत अच्छा डिश है। उसके बाद नॉर्थ इंडियन पूरी भाजी रखी हुई है, साथ में है टी एंड कॉफ़ी। नेक्स्ट में मसाला ऑमलेट थी, आप जितना चाहो उतना खा सकते हो। बॉइल्ड एग थे। ये हमारा बहुत सारा हैवी ब्रेकफास्ट। द ब्रेकफास्ट इज वेरी डिलीशियस। इफ यू आर कमिंग हियर यू कैन एंजॉय योर ब्रेकफास्ट जस्ट लाइक। थोड़ा साइड में पार्क कर दिए क्योंकि वहाँ पे 50-50 रुपए स्कूटी का बेफालतू में चार्जेस ले रहे थे। आप कभी आओ तो बीच का जो मेन रास्ता है उससे मत आओ, वहाँ पे पार्क मत करो, पार्किंग है। थोड़ा सा आगे जाके साइड वाइड में आओगे तो बहुत सारी एंट्री होती है बीच पे जाने के लिए, तो आप वहाँ पे अपनी कहीं भी बाइक कुछ लगा सकते हो पार्किंग, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगी। आप अभी हम आए हैं कोलंगट बीच, आप देख सकते हैं मेरे पीछे समंदर की आपको आवाज़ आ रही होगी अच्छे से, काफ़ी तेज वेव है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अभी हम फरवरी के टाइम पे आए हैं तो यहाँ पे इतना क्राउड नहीं है, पर लेकिन जैसे जैसे मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, तो ये जितना भी क्राउड दिख रहा है थोड़ा बहुत मेरे पीछे आगे पीछे, ये भी कम हो जाएगा, क्योंकि ना अप्रैल में गर्मी होती है तो कोई आता नहीं है, तो बेस्ट टाइम होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। आपको क्राउड मिलेगा, मज़ा आएगा और फन तो है ही गोवा में। Oh my, you're my broken heart।
गाइस आप इधर आओगे तो आपको यहाँ पे ना स्पोर्ट वाटर एक्टिविटी कराने वाले होते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो मेरा मानना है कि टूरिस्ट को देखते हैं, कपल को देखते हैं तो ज़्यादा पैसे बोल देते हैं, कितना पैसे लगेगा, इतना पैसा लगेगा, 1500-1600, दो तीन एक्टिविटी होती है, पानी के अंदर ले जाता है। तो आप अगर बजट टूर बना रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको ना दो तीन लोगों से पूछना पड़ेगा, 4-5 लोगों से। और अगर आप सीज़न वाइज आ रहे हो तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। बाकी जैसे फरवरी एंड मार्च अप्रैल में आ रहे हो तो इनके वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के पैसे कम होते हैं। तो और उससे पहले कंफर्म कर ले क्या 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 कराए, क्योंकि क्या था कि वो आप वाटर एक्टिविटी बोल के आपको 4-5 बोलेगा, उसमें 2 कराएगा, 3 कराएगा, उससे फिर आपका लॉस ही होगा। इसलिए आप कभी भी आओ तो वाटर एक्टिविटी के लिए पूरा कंफर्म कर लें, देख लें जो ऑलरेडी वाटर एक्टिविटी हो रही है उनको, फिर उसके अकॉर्डिंग आप बोले कि हमें ये करना है, ये करना है। हमने भी कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए पूछा, वो मैं आपको बनाना नहीं लेना चाहे तो बनाना नहीं करना है तो दोबारा जिसकी मिल जाए वे। गाइस वो उसमें कितना है? 1500 रुपए पैकेज पर हेड, पर हेड ज्यादा नहीं होता ना सीजन में तो इतने। वो उसको क्या बोलते हैं वो जो अंदर है, वो भी इंक्लूड है। गाइस देखो 1500 रुपए पर हेड बोल रहा है। एक ये स्पोर्ट्स है, एक ये बनाना वाला है, एक जो आप देख रहे होंगे आगे तो बोल रहे हैं, एक वो है, एक ये बाइक राइड करना चाहिए। ये चारों एक्टिविटी 1500 रुपए पर हेड पर्सन बोल रहा है। चार आदमी बंदा रहेगा हमारा उधर, अगर कोई गिरता विरता है तो बचाने के लिए चार आदमी रहता है हमारा। तो हमने भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी लिया है, एक तो हमारा पैरा राइडिंग है, ऊपर बोट से ऊपर उड़ाएगा हवा में, जैसा मैंने आपको दिखाया था पहले, ऊपर जो होते हैं पूरा
गाइस हमारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई है पूरी और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने। भूख लगी है बहुत टाइम से, सुबह से घूम रहे हैं, कुछ खाया नहीं है, ब्रेकफास्ट ही किया था। सो अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे। ओके गाइस, हम आए हैं KFC। वसुंधरा को चिकन खाना था, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है और बीच से आके हमको बहुत भूख लग रही थी तो हमने सोचा कुछ खाया जाए, तो हमें KFC सजेस्ट किया। और KFC हमने वसुंधरा वेज खा रही है क्योंकि ये वेजिटेरियन है। आई एम नॉन वेजिटेरियन, दे आल्सो गुड नॉन वेजिटेरियन। और हम अभी जा रहे हैं अपने होटल। अभी हम कंडोलिम और बागा और कालिंगगढ़ तीनों बीच से घूम कर आए हैं, तो वसुंधरा को तो बहुत फन आया, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे मास्क लगाना कंपलसरी है, हेलमेट तो हमने उतार दिया क्योंकि अभी इनसाइड रोड पे घूम रहे हैं तो इधर पुलिस वाला तो मिलेगा नहीं, बाकी बाहर मिल सकता है, इसलिए हमने अभी हेलमेट हटा दिया है। देख सकते हैं हमारे, हमने अभी अपने सन ग्लासेस लगाए हुए हैं क्योंकि यहाँ आना धूप बहुत है। दिन में बीच पर फन करने के बाद हम कुछ टाइम के लिए होटल चले गए थे ताकि हम नाइट में पूरा गोवा बीच को एक्सप्लोर कर सकें, इसलिए हमने थोड़ा रेस्ट किया होटल में जाके और वापस हम नाइट में इधर गोवा बीच पर आए हैं, कंडोलिम और बागा बीच पर। नाइट व्यू हम आपको दिखाते हैं और साइड शॉप भी दिखाते हैं कैसा होता है नाइट में गोवा। Treasures in the dark. Love.